आपको ओरिगैमी पता है? किस किस को पता है, हाथ ऊपर करिए। सबको पता है, अच्छी बात है। क्या क्या बनाते हो आप ओरिगैमी से? हाँ समृद्धि, हम कागज से घर, नाव, बदक इत्यादि चीज़ें बनाते हैं। विद्यार्थी ओरिगैमी बनाते हुए सही क्रम में उसके निर्देश लिखना सीखते हैं। यह करते समय बच्चे सही शब्द का उपयोग करते हुए अपने आप वाक्य बनाते हैं। हिंदी यह बच्चों की मातृभाषा न होकर तीसरी भाषा है, इसलिए यह अनुभव उन्हें वाक्य बनाने में मदद करते हैं। पहला चरण, चरण मतलब कृति, तो उसका पहला चरण क्या होगा? हम चीज़ बना रहे और उसके लिए हमें पहली कृति लिखनी है। पहले हम एक वर्गाकार कागज लेंगे। तो हमने वर्गाकार कागज लिया तो साथ में हम इसकी आकृति भी निकालेंगे। अभी हम नाव बना रहे हैं, नाव बनाने के लिए दूसरी कृति क्या करेंगे? हम दो कोनों को आपस में जोड़ेंगे। ऊपर नीचा या मतलब कैसे, आप दिखा सकते हो कैसे? हाँ, ये ऐसा कागज है तो हम इसे ऐसा खींचेंगे। तो हम जो वर्गाकार के जो है कोने हैं तो इन दोनों को हम आमने सामने के कोनों को जोड़ेंगे। तो क्रम वो वाक्य कैसे लिखेंगे? हम आमने सामने दोनों भुजाएं को जोड़ेंगे। भुजाएं को जोड़ेंगे, नहीं तो हम ये कोना भी कह सकते हैं, कोने को जोड़ेंगे। तो हम दूसरा चरण लिखेंगे। अभी इसका आकार कैसा है? इसका आकार आयत है। आयत, तो सबका आकार ऐसा हुआ है, आयताकार। तो इसे मराठी में आयत बोलते हैं लेकिन हिंदी में हम आयताकार ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे नया शब्द लिखेंगे आयताकार। तो ये आयताकार का हम अभी तीसरा चरण करने के लिए उपयोग करेंगे। हम क्रम के हिसाब से पूरा वाक्य साथ में बनाते हैं। हिंदी बच्चों की तीसरी भाषा होने के कारण बच्चे मराठी भाषा में सोचते हुए मराठी शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी व्याकरण और सही शब्द का उपयोग एक सही वाक्य बनाने के लिए कैसे किया जाता है यह सीखते हैं। हमने अभी सातवां चरण लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सोहम बताओ। हम आखिर में ऊपर के कोनों को बाहर खींचा। तो हमें आखिर में ये शब्द हमें इस्तेमाल करना है। तो सातवां चरण यहाँ पे आखिर में ऊपर के कोनों को बाहर की तरफ खींचो और आपकी प्यारी सी नाव तैयार हो गई। हाँ, तो हमने ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, पहले, उसके बाद, अब, फिर से, अब, फिर और आखिर में, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया? उसके बाद हमें जो कुछ भी करना है वो समझ में आए, इसलिए हमने ये सब शब्द। हाँ वेरी गुड। तो हम जो भी कृति कर रहे हैं तो उसका कुछ सही क्रम होता है, तो वो क्रम हम जब लिखते हैं तो ये शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को जोड़ियों में बिठाकर एक वस्तु तैयार करनी है। वस्तु बनाते हुए उसके निर्देश सही क्रम में लिखने हैं। क्रम लिखते हुए बच्चे नए शब्द का उपयोग सही क्रम में करते हैं और पूरा वाक्य बनाते हैं। उसका फिर बुझाकर को। ये आपकी कौन सी रेखा है? मध्य रेखा। मध्य रेखा तो हमारे पाठशाला के बच्चों को हस्तकला यह विषय अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। बच्चों को जब कोई कृति दी जाती है तब वह उसमें बहुत मग्न हो जाते हैं। विद्यार्थी जब अपने हाथों से काम करते हैं तब उनके हाथ, दिमाग और मन का विकास होता है। इससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। ओरिगामी अपने आप में ही
क्रम से बनने वाली एक कृति है। इसीलिए हस्तकला का संबंध भाषा से जोड़ते हुए वस्तु की कृति लिखने के लिए मैंने उसे चुना। पहले वर्गाकार कागज लो, उसके बाद वर्गाकार के दोनों कोनों को जोड़ो।